गुड मॉर्निंग बच्चों एक्सरसाइज सेवन सी का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज इन द गिविन फिगर ए बी पैल टू सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट फ्रॉम ई एंड एफ दैट ई पी ई पी एंड एफ क्यू ई पी एंड एफ क्यू आर द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ एंड एफ ई एफ डी ना और आपको जो प्रूफ करना है ई पी टू एफ क्यू ये प्रूफ करना है तो देखिए सिंपल है आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो भी गिवन है उसको लिखेंगे उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी टी ट्रांसवर्सल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बाद इक्वल हो जाएगा यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि ये देखिए ई एफ ई पी सॉरी और एफ क्यू आर द बाइस सेक्टर बाईस सेक्टर हैं तो इन दोनों एंगलों को हम डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ कर देंगे तो हाफ हाफ करने के बाद ई इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल इक्वल हो जाएगा इस तरह से इस तरफ का और इस तरफ का इक्वल हो जाएगा तो देखिए ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल थे तो ई e, तो पी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ क्यू है ना अब देखिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए पूरी तरह से तो ये कब बनते हैं एक दूसरे के इक्वल एंगल जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तभी तो इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरल हो और ये आपकी क्या हो ट्रांसवर्सल तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ये गिबिन है आपका गिबिन में हमने लिखा ए बी पैरल टू सी डी एंड टी बी द ट्रांसवर्सल और ई पी एंड एफ क्यू आर दाइ सेक्टर ये बाईसेक्टर सेक्टर हैं इस एंगल को इस पूरे एंगल को आधा आधा करते हैं ये दोनों है ना आप देखिए प्रूव हमें ये करना है ई पी टू एफ क्यू तो देखिए प्रूव ए बी ए बी एंड सी डी आर ए बी टू सी डी एंड टी बी द ट्रांसवर्सल तो इस तरह से ए एफ इजिकल टू ई एफ डी हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब हमने क्या करा इसको हाफ हाफ कर दिया है ना क्योंकि इन्होंने बाई सेक्टर बोल रखा है तो हमें हाफ करना हाफ हमने किया तो हाफ करने से हम उस रिजल्ट पे पहुंच सकते तो हमने हाफ किया तो वन बाई टू का इस तरफ और वन बाय टू का दोनों तर, इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखिए इस तरह से ये जो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं इस पूरे को क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं हम पी ई एफ है ना और, और क्या लिख सकते हैं इस वाले को ई ईफ डी को क्या लिख सकते हैं ई एफ को हम लिख सकते हैं हाफ ई एफ को हम लिख सकते हैं ई एफ क्यू अब देखिए ये एंगल और ये एंगल अब आप देखो इनको छुपा लो तो अब आप देखेंगे जेड की सिप में आ गए और ये दोनों जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ये कोने वाले ये दोनों ये कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये बनते कब है ये उस समय बनते हैं जब ये दोनों लाइन आपकी क्या हो पैरल हो और ये क्या हो आपकी ट्रांसवर्सल तो अब आप समझ चुके होंगे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैंस, पी ए, है ना पैरेलल टू आपका क्यू एफ और हम इसको लिख सकते हैं पैरेलल टू एफ क्यू इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका नाइनटीन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में गिवेन बी ए पैरेलल टू बी ए पैरेलल टू डी एंड है ना बी सी पैरेलल टू ईफ बी सी पेल टू और सो दैट ए बी सी ए बी सी इज इकल टू डी ई एफ ये हमें प्रूव करना है तो अब आप, आप देखेंगे सिंपली आप थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखिए प्रोड्यूस डी ई है नू तो, हमने डी ई को थोड़ा आगे बढ़ाया जो बी सी पे मिलती है किस पॉइंट पे पीई पे तो ये हम लिखेंगे है ना इस पॉइंट पे तो देखिए प्रोड्यूस ई मीट टू मीट बी सी तो अब आप देखिए अब आपको ये दे रखा है क्या दे रखा है बी ए है ना पैरल डी uh, दे रखा था तो यही लाइन आगे जा गई आ जाएगी तो ये क्या पैरेलल टू पी डी है ना पी डी एंड बी पी सी बी पी सी विद ट्रांसवर्सल ओके अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे किससे करस्पोंडिंग एंगल से सो so, एंगल ए बी पी एबीपी है ना ए बी ए बी पी कहो या एबीसी भी कह सकते हैं ए बी पी कह सकते हैं या ए बी सी भी कह सकते हैं ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी पी डी पी और सी ये हो गया हमारा करस्पोंडिंग आपका करस्पोंडिंग एंगल अब आप, आप देखिए ये इस वाली रजा इस वाली लाइन से निकल आया अब हम इस वाली लाइन को लेके चलेंगे तो देखिए ई एफ पैरल टू ए पैल टू हमारा क्या हो गया ई ए पैल टू हो गया BC. ई एल टू बी सी एंड डी पी एच एज द ट्रांसवर्सल ओके तो अब आप, आप देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा तो देखिए एंगल हो गया डी पी सी ये एंगल इसके इक्वल DPC इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ ये भी क्या हो गया करस्पोंडिंग एंगल हो गया तो आप देखिए डी पी सी और ये देखिए डी पी सी है दोनों साइडों में तो इसलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे है ना डीपीसी के प्लेस पे ये वाली वैल्यू लिख दो तो। सो so, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा डीपीसी है ना देखो है ना एबीसी इक्वल टू हमारा डीपीसी लिखा है तो डीपीसी की वैल्यू हमारी क्या है डीपीसी की वैल्यू है हमारी डीई एफ तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई e, एफ है ना यही हमें क्या करना था ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन है आपका बी ए टू ईडी एंड बी सी पैल टू ई एफ सो दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इजिकल टू वन क्वेश्चन नंबर लगभग ट्वेंटी की तरह ही है ट्वेंटी वन तो अब हम इसमें वही काम करेंगे जो ट्वेंटी में किया था हम लोग डी ई को प्रोड्यूस किया है ना जो बी सी पे पॉइंट पी पे है ना ज्वाइन करेगी है ना उसके बाद हमें जो प्रू क्या नाम प्रूफ करना था उस ये ए बी सी प्लस डी ई है फिजिकल टू वन एट्टी हो जाएगा तो देखिए लिखेंगे ए बी पैरेलल टू एंड -E आपका क्या हो गया ट्रांसवर्सल बीपीसी ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा वन एट्टी तो देखिए एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी पी -E, टू वन है ना अब ए बी पी को आप चाहो तो ए बी पी को क्या लिख सकते हैं हम ए बी पी को लिख सकते हैं ए बी सी क्योंकि ए बी सी हमारे प्रूफ में है तो हमने इसको लिख दिया एंगल ए बी सी ए बी पी को प्लस एंगल बी पी ई इक्वल टू वन इसको हमने वन मान लिया अब और अब हम दूसरी वाली लाइन से देखेंगे इसमें देखिए ये वाला तो बी सी पैरेलल टू ई एफ है ना बी सी पैरेलल टू बी सी पैरेलल टू आपका हो गया बी सी पैरेलल टू ई एफ के हो गया तो एंड ईपीडी ईपीडी कह सकते हैं या हम ईपी भी कह सकते हैं B ट्रांसवर्सल ठीक है तो आप ईपी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो देखिए बीपी ई एंगल बी पी ई इजिकल टू एंगल पी ई एफ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा किससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ई ए, पी एफ ए, ए को हम क्या कह सकते हैं डी पी ई भी कह सकते हैं क्योंकि डी पी डी पी ना डी ई एफ डी ई एफ भी कह सकते हैं डी एफ क्यों कह सकते हैं क्योंकि ये प्रूफ में तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी पी ई इज इक्वल टू एंगल ई एफ को डी डी ई एफ ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड अब इसका और इसका यूज करिए देखिए बी पी ई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे डी ई एफ डी ई एफ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो देखिए एंगल ए बी सी प्लस इसके प्लेस पे हमने बी पी ई के प्लेस पे क्या लिख दिया एंगल डी ई एफ इजिकल टू वन देखिए देखिये यही हमें प्रूव करना था ओके क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में आप देखेंगे आपको दिया इन द गिवन फिगर एम और एन आर द टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना टू प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू अदर, सो दैट द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी तो देखिए इसका फिगर बन गया अब फिगर बनने के बाद हमें जो प्रूफ करना है इंसिडेंट रे सी ए इंसिडेंट रेट रे सी एंड इज पैरल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी तो देखिए हमें पता है एंगल ऑफ इंसीडेंस इजिकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखिए उसके बाद जब इस कंडीशन पे एंगल वन और एंगल टू एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं ना और एंगल थ्री इजिकल टू एंगल फोर के आप साइंस में आपने पढ़ रखा हुआ मिररर तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अब देखिए एज द मिररर इस तरह से हमने लिख दिया एंगल वन इजिकल टू एंगल टू और एंगल थ्री इजिकल टू एंगल फोर के ए द अब आर परपेंडिकुलर टू ईच द मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं है ना तो देखिए बीपी बी पी बी पी पैरल टू ओ ए, ओ -ए के पैरल एंड ए पी ये देखिए ए पी पैरल टू ओ बी सिंस उसके बाद बी पी बी पी परपेंडिकुलर पी ए जब बी पी परपेंडिकुलर पी ए होगा तो देखिए बी पी ए या ए पी बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री ये 90 डिग्री का हो गया अब हम इसी ट्रायंगल को ले लें तो कि इन ट्रायंगल आपका हो गया ए पी बी में ए पी बी में ये 90 का हो गया तो बाकी दोनों एंगलों का सम कितना होगा 90 ही होगा क्योंकि टोटल कितना होता है पूरे ट्रायंगल का सम 180 तो देखिए ये हो जाएगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इजिकल टू नाइन्टी डिग्री हो जाएगा अब देखिए एंगल टू इक्वल है वन के और एंगल थ्री किसके है फोर के तो एंगल वन प्लस एंगल वन इजिकल टू एंगल टू तो जहाँ टू लिखा था वहां वन लिख दिया और थ्री किसके है? एंगल फोर के ये किसका हो गया नाइन्टी का अब हम क्या करें इन दोनों को ऐड करते हैं जो हमने इन दोनों को ऐड किया एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ये इस तरफ का इक्वल टू नाइनटीन 180 वन एट्टी आप देखिए इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं इस वाले एंगल को इस पूरे को इसको लिख सकते हैं वन प्लस टू को सी ए बी तो एंगल सी ए बी प्लस और थ्री प्लस फोर को ये हो जाएगा डी बी ए या ए बी डी एंगल आपका ए बी डी इजिकल टू वन एट्टी अब देखिए ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगलों का सम कितना हो गया वन एट्टी हो गया जब इनका सम वन एट्टी हो गया तो ये प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी को इंटीरियर है ना कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और ये कब लगती है जब ये एंग ये ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और ए बी हमारी क्या हो ट्रांसवर्सल तो हम लिख सकते हैं हैंस ये प्रूफ है हमारा हो गया प्रूफ हैंस सी ए है ना या ए सी पैरल टू बी डी ओके इस तरह से हमारा ट्वेंटी टू हो गया प्रूफ देखिए क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर है इन द फिगर आपको जो फिगर दिया स्टेट विच लाइन्स आर पैरल एंड वाई ये जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरल हैं या नहीं ये हमें इसमें प्रूफ करना तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ए बी पैरल टू डी सी है या नहीं है ना और इसी तरह से ए सी पैरल टू ई डी है या नहीं तो हमें ये प्रूव करना है है ना और है तो क्यों है तो अब आप देखेंगे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है और इसमें और इसमें कुछ रिलेशन होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल देखिए एंगल बी ए बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी जिकल टू वन हंड्रेड टेन हो गया ये एंगल कब एक दूसरे के इक्वल बनते हैं जब ए बी पेल टू सी डी हो और ए सी क्या हो ट्रांसवर्सल तो ये वाला कौन सा एंगल हो गया ये एंगल हमारा हो गया ये चार ऑल्टरनेट एंगल्स है ना और ये कब बन और अब हमें है ना इसका रीजन भी देना पड़ेगा इसका रीजन क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और क्यों बनना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी पैल टू सी डी है ना और ए सी एंड ए सी विद ट्रांसवर्सल ओके okay, ये हो गया अब हमें इस, अब दूसरी लाइन को देखना क्या ए सी भी ई डी के पैरल है तो इसके लिए हमें कौन सी कंडीशन लगा इन दोनों का इन दोनों एंगलों का सम हो जाए अगर हमारा वन एट्टी तो ये भी एक दूसरे के पैरल है अगर वन एट्टी नहीं होगा कम या ज़्यादा होगा तो नहीं होगा तो देखिए अब हम इन दोनों एंगलों को प्लस करके देखते हैं सो तो, अब इस वाली इस वाली लाइन के लिए देखेंगे ए सी और ई e, डी के लिए तो देखिए ना दूसरे में देखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी इनका प्लस किया तो एंगल ए सी डी हमारा कितना वन हंड्रेड टेन और ये कितना एट्टी डिग्री तो ये देखिए टोटल हमारा कितना हो गया टोटल हमारा हो गया 190 डिग्री तो देखिए 190 डिग्री वाली तो कोई प्रॉपर्टी होती हो ही नहीं सकता है ना इज कितना होना चाहिए था 180 एट्टी so, सो हम लिख सकते हैं डी ई एंड ए सी है ना आर नॉट पैरेलल है ना इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तो आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप इनको देखेंगे पूरा वीडियो देखेंगे और देखने के बाद इसको कम से कम दो से तीन बार सॉल्व करेंगे इससे आगे और भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे अगर आप स्किप करेंगे या देखेंगे नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स होंगी